मैं फार्मर था जर्नलिस्ट जमील अहमद सुल्तानपुर से। आज हम बैर के बाग में बगीचे में आए हैं। अभी किसान से बात करेंगे, कैसे वो तैयार किए, कैसे प्रॉफिट पा रहे हैं, तो अभी बातचीत करेंगे किसान से। हाँ भैया, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून, ग्राम सभा कारी भीत। ग्राम सभा कारी भीत के मोहम्मद हारून साहब हैं। इन्होंने बैर की खेती किया हुआ है, ये एक देख सकते हैं। ये कौन सी प्रजाति है, मतलब कौन सी किस्म का है ये? ये अच्छी क्वालिटी है, मतलब कड़क, थोड़ा कड़क होती है, मीठ बहुत होती है। अच्छा अच्छा, मिठास में बहुत कड़क होती है। कड़क होती है, तो ये कितने एरिया में है ये? ये मान के चलो एक बीघा अंदर। हाँ है तो काफी बड़ा एरिया, नीचे घास फूस भी नहीं है, साफ सफाई बहुत ज्यादा है। तो ये बताओ यार, ऐसे हमें ये कितना दिन हुआ इसे लगाए हुए? अब की तीसरा साल है। पहले साल में कितने का बेचा होगा आपने? तो ये पहले साल में आपने कितने का बेचा था इसमें का फल? करीब 1 लाख का पिछले साल। अच्छा, तो अभी तीसरा साल है, और दूसरे साल में तो उससे ज्यादा बढ़ गया होगा। हाँ, लगभग थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा, और आपकी कम फसल है? आपकी कम फसल आई है। अच्छा, ये फल तो है, बढ़िया फल है। हाँ। फल तो बढ़िया, नीचे कम है लेकिन ऊपर ज्यादा, मतलब ये कहने की जहाँ पर धूप ज्यादा लगी है वहाँ पे फल ज्यादा है। हाँ। है न, ऊपर फल है नीचे कम है। तो अच्छा, नीचे साफ सफाई के लिए कोई मशीन रखा है? कैसे देते हैं? ट्रैक्टर है और मजदूर लगते हैं। अच्छा, मजदूर लगते हैं। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के फलत तो बहुत बढ़िया है। हाँ। फिर भी आप बता रहे कम फलत है। हाँ। और इससे ज्यादा फल होता था क्या? अच्छा, तो ये देख ले भाई, किसान भाई आप लोग, ये बैर की फसल है। ये हारून साहब ने बैर की खेती किया हुआ है। ये खेती और भी करते हैं, अभी उसके भी बताएंगे अलग से वीडियो। ये अमरूद का भी बागवानी करते हैं, भैंस भी पाल रखा है। अच्छा, नीचे जो है, नीचे कोई खेती होती है कि नहीं? शुरू में किए थे? नहीं किए थे। अच्छा, अब मान के चलो इसमें धनिया सोवा की खेती हो रही है। हाँ, धनिया सोवा की खेती भी करते हैं, उसमें भी अच्छा इनकम ले लेते हैं। अच्छा, इसकी कटाई हुई है ना? हाँ, सब कटिंग हो जाती है। अच्छा, ये देख लीजिए, ये फसल तैयार पकने के बाद फिर वो काट देते हैं। देखिए, ये कटा हुआ फिर से कल ले लिया, फिर से जो है हम तो हाँ चार पाँच पाँच कर लिया। इससे मतलब ये है, ये गेहूं धान की तरीके से इसकी फसल की वो ये डंठल काट दिया जाता है, काटने के बाद में फिर ये कल्ला हो जाता है, कल्ला हो फिर फल आता है। देखे कितना अच्छा फलत है इसमें, ये देखिए आप लोग देखिए, बैर की खेती बहुत अच्छी खेती है ये। और अभी तैयार होने में कितना दिन लग जाएगा अंदाजा? शिवरात्रि में। अच्छा अच्छा, तो कई रुपए किलो तक बिक जाता है? 20-15, 30-40 में। अच्छा, तो थोक में 20-15। अच्छा अच्छा भाई, आप लोग देखें बैर की खेती बहुत अच्छा, नीचे घास फूस भी, साफ सफाई भी हुआ है, पानी भी दिया हुआ है, मेहनत बोल रहा है इसके अंदर कितना मेहनत हुआ है। तो किसान साथियों, हमारा सुझाव ये है कि आप लोग से प्रेरणा ले। ये हारून साहब हैं, बहुत अच्छी खेती किए हुए बैर की, अभी इसमें समय है पकने में, एक आध महीना लग जाएगा ज्यादा। अच्छा, शिवरात्रि पे लोग बेचते हैं इसको, इस पे प्रॉफिट अच्छा मिल जाता है। किसान भाइयों, आप लोगों को ये फसल कैसी लगी है बैर की, इसको आप कमेंटमेंट में जरूर बताएं। फसल अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे घास फूस भी नहीं है, जुताई हुए, पानी भी दिया हुआ है, छटाई का विशेष ध्यान दिया हुआ है, जैसे धान गेहूँ की फसल कटाई हो जाती है फिर उसके बाद कल्ला, तो बरसीन के तरीके से, जैसे बरसीन काटने के बाद फिर कल्ला देता है, उसी तरीके से अभी कल्ला दे रहा है। जय हिंद, जय भारत।